मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट भी है। तो इस प्रोजेक्ट पर आचल खरे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है NHSRCL के, तो उन्होंने काफी सारी बातों का खुलासा किया है। ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है और कब तक ये कम्प्लीट होगा, जापानीज अपनी बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंडिया को किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, इंडिया इस क्षेत्र में कैसे सेल्फ रिलायंट बन जाएगा और फ्यूचर में इंडिया के कौन कौन से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो मैं शॉर्ट में इन सभी बातों के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं बुलेट ट्रेन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, कि जापानीज किस तरह से इंडिया को इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस पर आचल जी का कहना है कि सबसे पहले तो हमारे देश में ऑलरेडी बैलास्टलेस ट्रैक्स का यूज किया जा रहा है, जिस तरह से मेट्रोज और रेलवेज में हम यूज करते हैं इस तरह के ट्रैक्स, जो कि 80 टू 90 या फिर इनफैक्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी काफी ज्यादा फिट बैठते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा डिफरेंट है कम्पेयर टू जापानीज टेक्नोलॉजी फॉर बुलेट ट्रेन। यहाँ पर तो इनके बैलास्टलेस ट्रैक तो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हुई है पिछले साल, ताकि वो कुछ कुछ चीजों के बारे में खुलासा कर पाए टू इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स की किस तरह से ये सभी ट्रैक्स को ले किया जाता है, इनकी क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे। और फाइनली अब जापान भी एग्री हो चुका था, सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी मेजर अचीवमेंट। इसके तहत अब हर एक सुपरवाइजर, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर को ट्रेन किया जाएगा सबसे पहले, एंड देन एंड ओनली जापानीज एक्सपर्ट्स इन्हें सर्टिफाई करेंगे टू पुट ऑन द जॉब। इन्होंने अब यहां पर एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 800 सुपरवाइजर्स और वर्कर्स होंगे जिन्हें इस तरह की हाई ट्रेनिंग दी जाएगी। सो हमें काफी ज्यादा वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल रही है, जहां पर हम 350 किलोमीटर पर आवर के ट्रैक्स जो कैपेबल है इस स्पीड को झेलने के लिए, तो उन्हें कंस्ट्रक्ट और डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रैक्स की, अब बात आ जाती है स्टील की। अब स्टील फैब्रिकेशन यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए वेरी हाई स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इनिशियली तो जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जापान के साथ फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, तब यहाँ पर ऐसी बात थी कि जापानीज प्लेयर स्टील फैब्रिकेशन का काम करेंगे, क्योंकि दिस इज रियली वेरी टफ जॉब। फिर उसके बाद एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बुलाई गई, और उसके बाद देखा गया कि इंडिया में तो फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी कुछ भी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वी कैन अचीव इट। और जापानीज भी इस पर एग्री हो गए कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को हेल्प करे इस तरह की ट्रेनिंग को पाने के लिए। अब यहाँ पर जो ट्रेन वर्कफोर्स होगी, तो जापानीज स्टैंडर्ड से वो डेविएट ना हो जाए बिल्कुल भी, तो इसे एंश्योर करने के लिए यहाँ पर 2 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमेशा रहेंगे एट वेल्डिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द फैब्रिकेशन प्रोसेस एट द वर्कशॉप। नाउ ये पैकेज भी इंडियन प्लेयर्स के लिए ओपन है, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फैब्रिकेशन की क्वालिटी भी इंडिया के भीतर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि हमें जापानीज टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। तीसरा एरिया था क्वालिटी ऑफ स्टील। अब क्वालिटी ऑफ स्टील डेफिनेटली काफी ज्यादा मायने रखता है इस तरह के हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। पहले तो जापानीज अपनी ही क्वालिटी के स्टील को इंसिस्ट कर रहे थे कि वो जापानीज स्टील को ही बाय करे, बट हमने फिर स्टैंडर्ड्स देखे और जो भी हमारे बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनके साथ ये सब डिटेल्स शेयर की। इसके लिए डेफिनेटली हमें 1 साल का समय तो लग ही गया, बट फाइनली उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, वी कैन प्रोड्यूस दिस क्वालिटी ऑफ स्टील जो कि जापानीज स्टैंडर्ड का है। तो अब इस एरिया में भी जो भी स्टील यूज किया जाएगा तो वो पूरी तरह से इंडिया के भीतर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। वेल, अब इतनी सारी ये जो जापानीज टेक्नोलॉजी है तो वो ऑलरेडी इंडियंस को ट्रांसफर हो चुकी है या फिर अंडर प्रोसेस में ही है। इसके अलावा अब जो भी ये रोलिंग स्टॉक होते हैं बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में, तो आने वाले समय में वो भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसे इंडियन वर्जन की जो बुलेट ट्रेन होगी तो उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन भी किए जाएंगे, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट डेफिनेटली काफी ज्यादा डिफरेंट है कम्पेयर टू जापानीज क्लाइमेट। वैसे ये जो इंडियन वर्जन ऑफ बुलेट ट्रेन है, तो इस पर भी काफी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि करेंटली ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो इसके ऊपर आचल जी ने कहा कि करेंटली गुजरात की बात करें तो यहाँ पर तो हमने 95% ऑफ लैंड एक्विजिशन कर लिया है। 351 किलोमीटर में से 325 किलोमीटर के सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे तो ऑलरेडी अवार्ड कर दिए गए हैं। यहाँ पर तो प्रोजेक्ट फुल स्विंग में चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र को देखिए तो यहाँ पर मात्र 24% ही लैंड फिलहाल एक्वायर किया जा चुका है, और ये काफी ज्यादा स्कैटर्ड है ऑन 10-15 किलोमीटर। तो इसके वजह से हम यहाँ पर काम भी ले नहीं पा रहे। वैसे पालघर में ये क्वाइट सक्सेसफुल रहे हैं। इन्होंने बताया कि 73 विलेजेस में से 71 विलेजेस का पूरा सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि पब्लिक यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रामक है इस प्रोजेक्ट को लेकर, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। अब महाराष्ट्र में प्रॉब्लम ऐसी है कि 500 ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पर लैंड ओनरशिप ही बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा कुछ प्लॉट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर तो 150 से 200 नाम एंटर किए गए हैं रिकॉर्ड में। इस सिस्टम को दे कॉल इट गोला प्लॉट, तो इस पर तो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल।
वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरह का प्रॉब्लम उन्हें गुजरात में फेस नहीं करना पड़ा, गुजरात में भी इस तरह की समस्याएं थी, बट इस सिचुएशन को उन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से हैंडल किया विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद गुजरात गवर्नमेंट। और गुजरात गवर्नमेंट ने भी इस तरह के ओनरशिप इश्यू के प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए काफी बेहतरीन ढंग से सहायता की है। इस इश्यू को वैसे तो वो काफी बेहतरीन ढंग से सॉर्ट आउट कर सकते महाराष्ट्र में, बट पालघर में ऐसा है कि जो रियल ओनर है और पर्सन इन पोजीशन ऑफ लैंड है तो वो दोनों ही अलग अलग है। अब तीसरे पॉइंट में बात करते हैं कि फाइनली कोविड के वजह से इसकी डेडलाइन पर क्या असर पड़ा है, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। इस पर उन्होंने बताया कि कोविड का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली अभी भी बरकरार रहेगा, लेकिन हमें दिसंबर 2023 या फिर अर्ली 2024 तक कुछ पार्ट को अचीव करना है। अब पूरा कॉरिडोर कंप्लीट ना हो, ओके इट्स फाइन, बट दिसंबर 2023 तक तो हमें कुछ सेक्शन तो ऑपरेशनल कर ही देना है। तो फिलहाल इनकी थिंकिंग ऐसी है कि लेट्स ट्राई एंड अचीव समथिंग इन वन सेक्शन फॉर द ट्रायल पर्पस। इस तरह के थिंकिंग के साथ अब यहाँ पर काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाइन किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ जापानीज साइड में भी वो बातचीत के सिलसिले में लगे हुए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि जापानीज भी इस तरह के फैसले के साथ एग्री कर रहे हैं। वैसे तो फिलहाल कोई भी चीज कॉन्क्रीटाइज नहीं हो पाई है फिलहाल, बट दे आर एग्रीइंग टू दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। यहाँ पर खरे जी का कहना है कि इसको लेकर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं ताकि 2023 तक हमें कुछ फ्रूटफुल नतीजे देखने मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया इस क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बन पाएगा, आई मीन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में, और जापान की ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी, और इन टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप रखेगा टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ रेलवेज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की। अब जापानीज यहाँ पर गैस फिल्ड केबल्स का यूज करते हैं, इससे होगा ये कि मान लीजिए अगर एक स्मॉल क्रैक भी आ जाता है तो यहाँ पर से गैस लीक करना स्टार्ट कर देगी और सीधा केबल मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल रूम में बता देगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में गैस लीक प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द इसे रेक्टिफाई किया जाए। सो इस तरह की प्रॉब्लम को काफी तेजी से काफी बेहतरीन ढंग से रेक्टिफाई किया जाता है बिफोर इट कॉज अ फेलियर। और इसी की वजह से आपने देखी होगी कि इनकी टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। वेल, अब इंडिया के केस की बात करें तो करेंटली गैस फिल्ड केबल्स ऐसा कुछ भी इंडिया में फिलहाल मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है। सो सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डेफिनेटली काफी ज्यादा गेम चेंजर एरिया होगा जहां पर हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है ऑफ जापानीज टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अब इंडियन कंपनीज सिविल वर्क्स, स्टील फैब्रिकेशन, ट्रैक्स का काम तो अपने से कर ही रही है, बट अब जब बात आ जाती है रोलिंग स्टॉक की तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर हमारी जो एस्टिमेटेड है 24 ट्रेन सेट्स, तो उन्हें इंडिया के भीतर लाया जाएगा और इसमें से 6 का काम इंडिया के किया जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंडिया के भीतर कोई भी मैन्युफैक्चरर फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और ये जो 6 ट्रेन सेट्स होंगे तो पूरी तरह से नॉकडाउन कंडीशन के साथ इन्हें इंडिया के भीतर लाया जाएगा और फिर इसकी असेंबली और टेस्टिंग इंडिया के भीतर होगी। वेल, अब इस एरिया में हमें कितना निवेश करना होगा इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अकेले असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए हमें एटलीस्ट 300 करोड़ रुपीस का निवेश करना है बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने इनफैक्ट एस्टिमेट भी लगाया है कि अगर मान लीजिए एक साल में हमें 100 से 150 ट्रेन सेट्स की डिमांड है तो फिर डेफिनेटली जो फैक्ट्री इंडिया के भीतर बनाई जा रही है तो काफी हद तक ये वायबल है। अब ये कॉम्प्लेक्स में इसलिए कह रहा था क्योंकि अकेले ट्रेन सेट्स में ही इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, फिर अर्थक्वेक वार्निंग टेक्नोलॉजी, ऐसी तमाम और ढेरों टेक्नोलॉजी से लैस होगी ये बुलेट ट्रेन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं फ्यूचर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स की। अब खरे जी का यहाँ पर कहना है कि वो प्रिटी श्योर है कि ये जो 6 to 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स हमने प्रपोज किए थे तो अगर इस पर काम शुरू हो जाता है देन मोस्ट प्रोबेबली सिग्नलिंग और टेलीकॉम के क्षेत्र में ही हम 70 to 80% इंडिजिनाइजेशन हासिल कर लेंगे। सो यहाँ पर कैपेबिलिटी का कोई मामला नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट मार्केट। जितना बड़ा मार्केट उतनी तेजी से और उतना ज्यादा इंडिजिनाइजेशन। आगे इन्होंने एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के भी बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि दिल्ली वाराणसी वाला जो स्ट्रेच है तो इस पर हमने अब ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग वो जल्द ही एक फाइनल रिपोर्ट देंगे जहां पर इसकी सारी डिटेल्स होंगी। इनकी अब प्लानिंग ऐसी है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो डे 1 से ही वो काम शुरू कर देंगे। अब आने वाले समय में ये जो 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स होने वाले हैं तो नेमली मैं आपको बताता हूँ विद दैट स्टेशंस। सबसे पहले तो है दिल्ली वाराणसी, जहाँ पर दिल्ली, नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी होंगे। फिर दिल्ली अहमदाबाद, जहाँ पर दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद। थर्ड मुंबई, नासिक, नागपुर कॉरिडोर। फोर्थ मुंबई, पुणे, हैदराबाद कॉरिडोर। फिफ्थ चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर। सिक्स्थ दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर, जहां पर दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर शामिल होंगे। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाराणसी, पटना, हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। सो उम्मीद है कि बुलेट ट्रेन पर ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी विद लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।